इस वेले की खबर सामने आई है कि गोइंदवाल थर्मल प्लांट के उद्घाटन नूं लैके ते सरव विखे होण वाली रैली नूं लैके आम आदमी पार्टी दे वर्करां दे विचाले एक वड्डा उत्साह देखण नूं मिल रहा है। जी हाँ, वड्डा उत्साह देखण नूं मिल रहा है। इस दे विचाले तस्वीरां जिहड़ियां ने ओह निकल के सामने आईयां ने। दस्सदी कि 11 फरवरी की तारीख नूं यानी कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हां दे वल्लों गोइंदवाल विखे थर्मल प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा ते महा रैली भी की जाएगी जिस विच लोगों नूं संबोधन किया जाएगा। तो गोइंदवाल थर्मल प्लांट के उद्घाटन नूं लैके तैयारियां जिहड़ियां ने मुकम्मल हो चुकियां ने। तो कल 11 फरवरी है जिस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों एक स्टेज के उत्ते देखने को मिलेंगे ते दोहां दे वल्लों गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन भी किया जाएगा ते रैली के दौरान महारैली के दौरान लोगों को संबोधन भी किया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर उत्ते पहुंचेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। 11 फरवरी यानी कि कल के दिन करेंगे थर्मल प्लांट का उद्घाटन, बाद कस्बा सैरो विखे रैली नूं संबोधन भी करेंगे। तो तस्वीर जिहड़ियां ने निकल के सामने आ रही ने कि गोइंदवाल थर्मल प्लांट के उद्घाटन के सैरो विखे होने वाली रैली नूं लैके आम आदमी पार्टी के आगुआ ते प्रशासन के वलों जोर शोर से तैयारियां कीतियां जा रही ने। तो उत्थे मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हाजिर होणगे ते दिल्ली के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल भी जिहड़े आ लोगों नूं रैली के दौरान संबोधन करनगे। तो गोइंदवाल थर्मल प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है जिसका काफ़ी लंबे समय तो इंतजार भी किया जा रहा सीगा। तो हुण बीते कल माफ करना कल जिहड़ा आ ये उद्घाटन किया जाएगा जिस दे विच खुद दिल्ली कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हुणी उत्थे पहुंच के इस थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे अते रैली के दौरान लोगों नूं संबोधन किया जाएगा। तो रैली तो एक दिन पहला दीआं तस्वीरां निकल के सामने आईआं ने जिथे कि आम आदमी पार्टी के आगुआं दे वल्लों वर्करां दे वल्लों अते प्रशासन दे वल्लों पुख्ता तैयारियां कीतियां जा रहियां ने। एक बार झलक देख लैने आ उत्थे दीआं तैयारियां। बहुत वधिया तैयारियां जिहड़ियां चल रहियां ने। तो गोइंदवाल साहब जिहड़ा थर्मल प्लांट है वो साडी आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब ने उसनों जिहड़ा प्राइवेट जिहड़ा थर्मल प्लांट से उन्हों खरीद के सरकारी थर्मल प्लांट जिहड़ा वो बनाया। तो दूसरा उहदा नाम चेंज करके गोइंदवाल थर्मल प्लांट तो GVK तो चेंज करके श्री गुरु अमरदास जी थर्मल प्लांट का नाम जिहड़ा वो रखे। तो ये सानू हुण आने वाले समय से बिजली जिहड़ी आ वह भी सस्ती पाऊगी ते नाल नाल लोकां नूं साढ़े इलाके दे लोकां नूं जिहड़ा वा रुजगार भी मिलेगा। सर किस तरह दी तैयारियां चल रही हैं? तैयारियां बहुत वधिया चल रही ने, इत्थे भी ते उत्थे भी जिते उद्घाटन करना। तो उद्घाटन कर तो बाद गोइंदवाल साहब सीधा इत्थे आ के सिरों जिहड़ा साडी ये मिल दे नाल ही जिहड़ी जगह है उहदे विच आ के केजरीवाल साहब ते साडे मुख्यमंत्री पंजाब संबोधन करनगे लोकां कैमरे। इस गल तो अंदाजा ला रहे हैं कि किड्डा वड्डा जिहड़ा वो पंडाल है। ये मैनू लगता है कि जदों दा मैं वड्डा होया तो मैं राजनीतिक तौर पर ना किसी अज तक रवायती पार्टियां की एड्डी वड्डी रैली मैं नहीं वेखी जां एड्डा वड्डा पंडाल। तो इस गल की हामी तो तुम भी भरोगे कि तुम भी इस एरिए रहने वाले हो तो इतों पता लगता है कि वर्करा के लोगों के बहुत वड्डा उत्साह है। MLA साहब जिस तरीके ने सरकार ने थर्मल प्लांट जो खरीदा पंजाब की जनता को की बेनीफिट हो गए? देखो सब तो पहला तो सानू जी साप दिया कोले दान ने तो सू जो कोला मिलेगा तो बहुत सानू जी बिजली आ सस्ती पेगी। तो दूसरा यह है कि साड़ी आने वाले समय के सू तो इनकम होगी तो लोगों तो सहूलत इलाके तो मिलनी मिलनी है। दूसरी गल एक नवी पिरत कि पहलियाँ सरकार जो चीज़ा वेच दियाँ आईया ने तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जी वो खरीद रही है। सर एक सुखबीर बादल यात्रा वो तो देखो मैं तो की कहना लोग भली भंत जानते हैं कि जो 1966 तो बाद पंजाबी सूबा बनया पांच बार वो मुख्यमंत्री रहे ने तो पंजाब उन्होंने उदो बचा यदा मतलब ये कि उदो बर्बाद कर गए तो हम बचाने लगे ने। सो सानू तो आया नहीं 2 साल होए सो बचाने का मौका तो लोगों ने सानू दिता है सो असी बचा रहे हैं। ये तो हम अपने आप को बचाने वाली जो गल्लां ने बाकी लोग की बोलते हैं कमेंट्स की आते हैं वो तुम खुद ही रीड कर लेते हो।